पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और मनीष सिसोदिया आपको इसके ठीक बीच में दिख रहे होंगे। मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को घर में क्यों नजरबंद किया हुआ है, उनसे मिलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही, यहाँ पर पुलिस क्यों पहरा बनाए खड़ी है, कुछ बोल रहे हैं, शायद सुनने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं वो बताएंगे पुलिस तो आम जनता डिप्टी सीएम नहीं मिल सकता क्या सीएम के, ये बताइए आप लोग ऐसे क्या? अरे यार बंद करे ना उसको, उसको बंद कर, बंद करा है मैं भी बता देता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर हंगामे की ये तस्वीरें हैं। मीनाक्षी लेखी धरने पर बैठी हुई हैं। अंदर जाने की इजाजत किसी को है नहीं। पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी, और ये देखिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है, दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। और जो दोपहर करीब 11-12 बजे खबर आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया है, दिल्ली पुलिस कह रही थी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मौजूदा तस्वीरें बता रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तस्वीरों में दिख रहे हैं और मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि अगर नजरबंद किया नहीं जा रहा, नजरबंद है नहीं, तो फिर मिलने की अनुमति क्यों नहीं है, क्यों आखिर ये बैरिकेडिंग से यहां लगा दी गई है, क्यों यहां पर पुलिस इतनी ज्यादा फोर्सेस के साथ तैनात है, और क्यों मीनाक्षी लेखी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। ये तमाम सवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया पूछ रहे हैं, जवाब कुछ दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया नहीं जा रहा, लेकिन ये तस्वीरें खचाखच भीड़ भरी हुई है सड़क पर, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। आप इससे पहले पुलकित नागर इंडिया न्यूज संवाददाता जानकारी ये दे रहे थे कि एमसीडी के कुछ कर्मचारी हैं जो पहुंचे हुए हैं वेतन संबंधी इशू को लेकर, लेकिन सवाल ये कि वेतन संबंधी इशू को लेकर आज ही के दिन इसी वक्त आखिर क्यों पहुंचे। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि दिल्ली के स्टेडियम्स को दरअसल अस्थायी जेल बनाने से रोकने की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, जेल बनाने की अनुमति नहीं दी थी, इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के फैसले को नहीं माना, अस्थायी जेल बनाने से मना कर दिया और कहा कि हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं, किसी भी तरह की दिक्कत किसानों को ना हो, ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से वक्त वक्त पर मदद की जाती रही है, चाहे वो खाने पीने संबंधित सामान हो या फिर वो मच्छरों को भगाने वाला फॉगिंग ही क्यों ना हो। इसी बीच तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार फोन पर शायद किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये तमाम सड़क पर मौजूद हैं और कहना सिर्फ इनका ये है कि अरविंद केजरीवाल से हमें मिलने दीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री से हमें मिलने दीजिए। कल आपने तस्वीरें देखी होंगी, सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए थे, किसानों के बीच में थे, और ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि कल किसानों के बीच पहुंचे, वापस लौटे तो घर में नजरबंद कर दिया, आज सुबह से निकलने नहीं दिया। वहीं पे बात ही कर रहे हैं सर, यार बात ही करते रहोगे सर, अभी तो मैं कह रहा हूँ अरेस्ट करके रखा हुआ है ना, नहीं 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 नही
कौन है भाई, कौन क्रांति लाएगा देश में? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग कर रहे थे, अब उनके घर के ठीक बाहर वाली सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। यही सभी लोग अभी खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन आप देखिए नारेबाजी करते करते वहीं पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं जब तक मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाएगा, जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें जरूर देखिए, आप ये तस्वीरें इसलिए भी देखिए क्योंकि दोपहर में 11-12 बजे के आसपास ये खबर आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर लगाया था। अब तस्वीरें ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के ठीक बाहर की, यहां पर बैरिकेडिंग्स आपको दिख रहे हैं, पुलिस के जवान भी आपको मुस्तैदी से यहां पर दिख रहे हैं, खड़े हुए हैं, बाकायदा एक पूरी सीमा बना दी है बैरिकेड्स के जरिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने से रोका जा रहा है, अंदर नहीं जाने की इजाजत है। अरविंद केजरीवाल घर से बाहर निकल नहीं सकते, उन्हें सिंगू बॉर्डर से लौटने के बाद घर से नहीं निकलने दिया गया है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री को उनके अपने घर में एक तरीके से अरेस्ट कर लिया है, नजरबंद किया गया है। आप ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आपसे कुछ मिनट पहले ही पूछा था, ये जो पुलिस के तमाम अधिकारी आपको देख रहे हैं बैरिकेड्स के ठीक पास, उन्हीं से मनीष सिसोदिया सवाल कर रहे थे कि आखिर क्यों आप मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रहे, क्या हम ये कहें कि उन्होंने स्टेडियम्स को अस्थायी जेल बनाने से मना कर दिया, इसी का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि आपने उन्हें खुद के अपने घर में अरेस्ट किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार यहां डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, रिहा करने की मांग कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। वहां पर आपको महिला पुलिसकर्मी भी दिख रही हैं, पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं, बड़े अधिकारी भी दिल्ली पुलिस से वहां पर मौजूद हैं। बैरिकेड्स लगाकर अंदर जाने से मना ही है, अंदर से बाहर आने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजाद नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ये चाहती है, कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को बाहर आने दिया जाए या फिर हमें उनसे मिलने दिया जाए। इस तरह नजरबंद करना ठीक नहीं है, इस तरह आप नजरबंद नहीं कर सकते। लेकिन तस्वीरें बता रही है, तस्वीर अब ये सच्चाई दिखा रही है, बता रही है दिल्ली पुलिस मना कर रही थी, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के घर के ठीक बाहर बैरिकेड्स लगाकर मुख्यमंत्री के घर के बाहर ये जमावड़ा बता रहा है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं मिले। और ये देखिए, ये जो कैमरा पैन किया है इससे आप पुलिस वालों की संख्या देख सकते हैं, पुलिस वाले कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ मौजूद हैं, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ है किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। दरअसल मनीष सिसोदिया सिर्फ इतना चाहते थे कि मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए, क्या किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया उसका खामियाजा है, क्या सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए थे क्या उसका खामियाजा है, ये मनीष सिसोदिया बार बार पुलिस अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां खड़े हुए थे, बैठ गए हैं, वहीं आवास के बाहर जमा हो गए हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने दीजिए वरना हम यहां धरने से उठेंगे नहीं। आपको यह भी मैं जानकारी दे दूं, इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागरिय ने यह जानकारी दी थी कि आज सुबह ही एमसीडी की तरफ से कर्मचारी वहां पहुंचे हुए हैं, वेतन संबंधी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे हुए हैं। तो क्या
ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है कि एमसीडी की तरफ से वहां वेतन संबंधी इश्यू लेकर आज पहुंच गए। अभी खबर ये भी आई थी कि मीनाक्षी लेखी खुद वहां पर बैठी हुई हैं, धरने पर बैठी हैं। तो क्या आज ही का दिन चुना गया जब सिंघू बॉर्डर से किसानों से मिलकर अरविंद केजरीवाल घर पहुंचे तो नजर बंद कर दिया गया? आज जब भारत बंद है और जब मुख्यमंत्री कह चुके हैं हम किसानों के साथ हैं, क्या इस बात का खामियाजा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ा है? ये लगातार आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है। और आप तस्वीरें बहुत, और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस वाले जितनी ज्यादा संख्या में यहाँ मौजूद हैं उसे देखकर नॉर्मल तो ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं लगती, और नॉर्मल ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद भीड़ और ज्यादा बढ़ जाए, इसीलिए पहले से सफिशियंट वहां पुलिस वाले तैनात हैं ताकि किसी भी तरह की हंगामे की सिचुएशन हो ना। लगातार कृषि कानून को लेकर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपको समझना चाहिए कि क्या कुछ फेरबदल हुए हैं, क्या कुछ नया है इस कानून में जिसको लेकर किसानों की आपत्ति है। पहला कानून जिसमें यह था कि आवश्यक वस्तु जो थी उनको लेकर संशोधन कर दिया गया, अब नया जो किसान के हित वाला कानून बता रही है सरकार, कृषि कानून, उसको लेकर किसान कह रहे हैं कि हमें नया कानून चाहिए नहीं। ये आप समझिए, नए कानून में क्या है? अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन, तेल, ये सभी सरकारी कंट्रोल में हो जाएगा। अब विरोध इस बात का है कि व्यापारियों को स्टॉक करने का अधिकार देने वाला ये बिल है। ये किसान कह रहे हैं कि हमारे फायदे का तो कुछ है नहीं, जमाखोरी पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया है ये कानून कहता है। किसान कह रहे हैं व्यापारियों का फसल से लेकर बाजार तक सब पर कब्जा हो जाएगा, हमारे हाथ में क्या आएगा? जमाखोरी पर प्रतिबंध को लेकर ये बार बार कानून को लेकर सरकार अपनी राय साफ कर रही है, अपनी मंशा साफ कर रही है। कहना यह भी है कि मंडी की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है, जबकि किसान कह रहे हैं ऐसा भी हमारे लिए तो नुकसान में है। इस बीच मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लोग अपने लोग हैं, सीएम साहब मिलना चाह रहे हैं, अंदर जाने दो उनको, वो कह रहे हैं जी नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे। अब ये यहाँ से डीसीपी साहब भी गायब हो गए, वो कह रहे हैं यहाँ से कि अंदर गए, अंदर वाले कह रहे हैं वहाँ तो नहीं है। बात कर रहे हैं आपकी अंदर बात हुई सीएम ऑफिस में, आपकी बात सीएम ऑफिस चाह रहे हैं कि ये सारे लोग अंदर आ जाएं क्योंकि सीएम साहब मिलना चाह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हम सीएम साहब से मिलने नहीं देंगे, यही तो हाउस अरेस्ट होता है। आप डेली जाते हैं, हम सीपी साहब कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट नहीं है। आप लगभग हर हफ्ते में दो तीन बार जाते हैं? मैं रोज दिन में तीन बार जाता हूँ। आज दिक्कत ये आ रही है कि जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे से। सीएम साहब से लोग मिलना जाना चाह रहे हैं, ये लोग मिलने नहीं जाने देना चाह रहे हैं। बोले हम तय करेंगे कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा, इसका मतलब सीएम हाउस अरेस्ट पर ले रखे हैं इन्होंने। सीएम साहब ने इनको किसानों को जेल में डालने से, जेल देने से मना कर दिया, इन्होंने सीएम साहब के घर को जेल बना के रखा हुआ है इस समय।